तो फिर कैसे देख रहे हैं अपनी इनिंग्स को, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? देखें, अच्छी इनिंग थी और शुरू में टाइम लिया, और यहाँ की विकेट ऐसी है कि आप अगर शुरू के 10 ओवर खेल जाएं तो फिर आगे इजी होता है, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए, और वही था कि बाद में रन बन रहे थे। अगर 193 सोचा था आपने जाने से पहले आज, और जब अंदर थे जब जिस विकेट गिरनी थी तो आप क्या प्लान कर रहे थे सबसे बाकी सबके साथ? देखिए, शुरू में तो हमने यही प्लान किया था कि जो शुरू के जो 6 से 8 ओवर है उस आसानी से बनते हैं, तो शुरू में हमारा कोई इस तरह बड़ा प्लान नहीं था, क्योंकि प्लान सिर्फ यही हुआ था कि पहले 8 ओवर, फिर अगले 10 ओवर, फिर इस तरह का प्लान हमारा हुआ। फिर अंदर जब 247 हम हो गए हुए थे तो बाकी प्लेयर्स के साथ क्या आपकी बात चल रही थी? मैं यही सी शाहीन से भी यही बात हो रही थी कि आप सिर्फ बस खड़े रहो और आउट नहीं होना, क्योंकि एक एंड से यहाँ की विकेट ऐसी है कि इस पे रन नहीं रुक सकते, तो उनसे मेरी यही डिस्कशन हो रही थी कि आप लोगों ने बस जस्ट खड़े रहना है और मेरा साथ देना। तो सर 7 रन से आपका 200 मिस हुआ है, कोई थोड़ा बहुत अफसोस? नहीं, देखें मुझे अफसोस है, हम मैच नहीं जीते, अगर मैच जीतते तो बहुत अच्छा होता, और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं जीत के लिए ही कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेम को फिनिश नहीं किया, और अगर इससे कम रन भी बनते और हम जीतते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। फिर डिसाइडर है थर्ड ODI, कैसा देख रहे हैं और यही इसी तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद करें आपसे? देखें, हमारा जिस तरह हमारी हम लोग एज ए टीम खेल रहे हैं, जिस तरीके से हम फाइट कर रहे हैं, सिर्फ बैटिंग में नहीं फील्डिंग में भी, और जो हमारी बॉलिंग भी फाइट कर रही है, तो वो बहुत ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लास्ट गेम है उसको जीते और सीरीज विन करें।